मैंने किसी का नहीं रखा है, ठीक है ना। अच्छा सबको तूने बराबर दिया शाही पनीर है, लेकिन ना तेरी कटोरी में ज्यादा दिख रही है मेरे को तो इसमें। हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड, बड़ों को नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, 3-4 दिनों से दोस्तों बहुत ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है कसम से दोस्तों। निश्चल तूने बड़स किया जब तेरे को मैंगो शेक मिलेगा? झूठ मत बोल, तूने बड़स नहीं किया है। बड़स कर लिया है, दांत साफ है, ठीक है मैंगो शेक मिल जाएगा। मेरे को मम्मी बोल रही थी कि निश्चल ने बड़स ही नहीं किया अब तक। मम्मी ने झूठ बोल रही थी। अच्छा बड़स कर लिया था है? हाँ। सुबह सुबह मैंगो शेक किस खुशी में? निश्चल के लिए। ये मत बोल निश्चल के लिए बना रही है, खुद के लिए बना रही है। मैं चाय पीती हूँ, सुबह मैंगो शेक पीती हूँ। हेयर स्टाइल तो बड़ी अच्छी लग रही है तेरी। ओए होए क्या बात है निश्चल, सुबह सुबह मैंगो शेक आ गया तेरा है? हाँ, ले पी सकते क्या कुछ प्रॉब्लम आपकी? मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ये बता थोड़ा सा देगा मेरे को मैंगो शेक? नो नो नो। दे दे, ला ला दे मेरे को मैंगो शेक। अब क्यों नहीं दे रहा है? नहीं देगा, ये नहीं देने वाला मैंगो शेक मेरे को। इसका सबसे फेवरेट है सुबह का ब्रेकफास्ट में मैंगो शेक। दो गिलास और है? तीन गिलास। अच्छा बेटा, अपने लिए मैंगो शेक रख रही है फ्रिज में ताकि थोड़ी देर में ठंडा जब हो जाए तब पिएगी है। अब पता चल गया मेरे को, अभी बोल लिए चाय पीऊंगी और अभी देख मैंगो शेक रख रही है फ्रिज में। मैंगो शेक नहीं रखा है मैंने। तो फिर क्या था? मैंगो रखा है। पनीर की सब्जी भी बन गई? अरे मैया, मैं तो सोच रहा था कि यार मैं बनाऊंगा पनीर की सब्जी, तो सुबह 6 बजे उठ के पनीर की सब्जी बना ली। आपका इंतजार कौन करेगा कि कब उठोगे सो के तब मैं बनाऊंगा खाना। ठीक है यार, बड़ी बढ़िया बनाई है तूने शाही पनीर। क्या बात है, ये निश्चल के लिए है। अच्छा अपने लिए ज्यादा शाही पनीर? मैंने किसी का नहीं रखा है, ठीक है ना। अच्छा सबको तूने बराबर दिया है शाही पनीर है, जो खाना। लेकिन ना तेरी कटोरी में ज्यादा दिख रही है मेरे को तो इसमें। इतना क्यों हंस रहा है निश्चल? अच्छा मेरे को पता चला है शाही पनीर जो बनी है तेरी फेवरेट सब्जी है, लेकिन तेरे को पता है मम्मी ने ना अपने लिए ज्यादा शाही पनीर रखी है क्योंकि सुबह सुबह बना ली थी। मेरे को तो पता है कि इसने पनीर की सैंडविच भी खाई है। क्या बात है निश्चल, तेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, शाही पनीर और रोटी। हाँ। कसम से कैसा बनाया शाही पनीर मम्मी ने? कैसा बनाया शाही पनीर? अच्छा बनाया। तेरे को पसंद है शाही पनीर? मेरे को नहीं दे रहा शाही पनीर? ठीक है बेटा, मेरे लिए तो है शाही पनीर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि मुझे पनीर बहुत पसंद है। ठीक है दो दे दे मेरे को उसमें से पनीर अपनी कटोरी में से। मम्मी के पास बहुत है? हाँ सही बोल रहा है क्योंकि मम्मी ने ना अपने लिए ज्यादा रखा है शाही पनीर, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए उसी में से शाही पनीर। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। निश्चल बोल रहा है पापा आप शाम को नहा लेना, मैं अभी नहा लेता हूँ क्योंकि दोस्तों टंकी में पानी कम है। कल शाम को लाइट नहीं थी तो हम लोग टंकी नहीं भर पाए थे, आज सुबह में भी थोड़ी देर के लिए ही लाइट आई थी तो थोड़ा ही टंकी पानी हुआ था। मैंने बोला निश्चल को चल ठीक है तू नहा ले, गर्मी हो रही है क्योंकि उसको थोड़ा सा गर्मी से प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आइस रेड हो जाती है उसकी। मैंने चल ठीक है तू नहा ले बेटा, मैं शाम को नहा लूँगा जब पानी आ जाएगी। तू क्यों नाराज है, पनीर कम मिल गई क्या आज? सारी पनीर तो तूने ही खाई आज। निश्चल बोल रहा है ना मम्मी ने ना दो सैंडविच रखा हुआ था टिफ़न में, जो टिफ़न बॉक्स है उसके अंदर, और बोल रही थी ना बाद में खाऊंगी, मैंने भी देखा था एक सैंडविच था उसके अंदर। क्या बात है निश्चल, आज तो तू बहुत स्मार्ट दिख रहा है। हाँ, कुछ बोल रहा हूं पे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुंदर दिख रहा है इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तूने अपना फेवरेट टी शर्ट तो पहना है, रेड टी शर्ट? तेरा फेवरेट टी शर्ट नहीं है? अभी तो तू बोल रहा था कि पापा मेरा फेवरेट टी शर्ट है। अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं तो बोल रहा हूँ तू तो बहुत स्मार्ट दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तेरे पे लाल टी शर्ट अच्छी लग रही है। अच्छा तेरा फेवरेट कार्टून आने वाला है? दोस्तों मेरा जो वेट है वो अब 75 किलो हो गया है, और मेरा जो वेट था फरवरी में 100 केजी था। तो मेरा एक दोस्त ने बोला कि रॉबिन तू अब अपना वेट कम नहीं कर सकता है क्योंकि तू अब जिम भी नहीं जाता है, और कैसे होगा कम? मैंने बोला हो जाएगा, वो बोल रहा है हो ही नहीं पाएगा तेरे से वज़न कम। फिर मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया,
लेकिन मेरे को भी लगने लगा कि बहुत ज़्यादा वेट है मेरा, 100 kg है, 100 kg से मेरे को 75 kg पे लेके आना है। लेकिन सालू ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे को वेट लॉस में, वो बोली कि आप कर सकते हो क्योंकि आप ट्रेनर रह चुके हो। क्योंकि दोस्तों मैं जिम ट्रेनर रह चुका हूँ, मैंने 4 साल जिम में जॉब किया है, 3 महीने में मैंने 25 kg अपना वेट लॉस किया। पहले मैं 100 kg का था और अभी 75 kg का हूँ। तो यही चीज़ है कि मैंने डाइट फॉलो किया और मैं कहीं बाहर जिम नहीं किया, नहीं रनिंग किया। मैं हर मील के बाद ना 30 मिनट घर में ही टहलता हूँ, 3 टाइम मैं खाना खाता हूँ। और पहला जो मील होता है मेरा मॉर्निंग का, उसमें 4 रोटी होती है, थोड़ी सब्जी दाल, और दोपहर में फिर लंच में 2 रोटी, और रात में भी 2 रोटी। और हर मील के बाद मैं 30 मिनट्स का वॉक ज़रूर करता हूँ और घर में ही। तो यही है मेरी डाइट, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, ना मीठा खाता हूँ। तो यही है कि आज मेरा वेट 75 kg है। तेरे को पता है दादाजी ना अगले महीने में तेरे से मिलने आने वाले हैं। क्या? सच्ची में। और तेरे लिए ना मैंगो लेके आएंगे, बोल रहे थे कि निचल को बहुत ज़्यादा पसंद है ना मैंगो, तो मैं उसके लिए लेके आऊँगा मैंगो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने बोला सालू को कि तू लंच बना ले, तो बोले नहीं आप बनाओ, क्योंकि आपने बोला था कि पनीर मैंने बनाया है आज सुबह में, तो अभी आप बनाओगे लंच। मैंने बोला चल ठीक है दोस्तों, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, जो किचन में जो ये मिरर लगे हुए हैं इसमें से बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। तो जब हम लोग लंच बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पे, कसम से। तो अभी सुबह की सब्जी है ही जो सालू ने बनाया था पनीर की, और उसने बोला था थोड़ा सा पनीर में रख ली थी, फ्रिज में रखा हुआ है, तो बोला वही खा लेना थोड़ा पनीर की सब्जी, और रोटी आप बना लो। मैं बोला चल ठीक है मैं रोटी बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसने रोटी बनाना सिखा दिया है। तो 2 रोटी मैं अपने लिए बनाऊँगा, और सालू भी 2 रोटी ही खाती है, और निश्चल भी 2 रोटी, यानी 6 रोटी मेरे को बनानी है। लेकिन 6 रोटी बनाने में ना मेरे को कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है क्या बताऊँ मैं। निश्चल बोला पापा जल्दी जल्दी बनाओ रोटी, क्योंकि पनीर की सब्जी आज ब्रेकफास्ट में भी पनीर की सब्जी और लंच में भी पनीर की सब्जी। मैं बोला चल ठीक है बेटा मैं बना देता हूँ, तू खुश रहा कर, क्योंकि जिस दिन पनीर बनती है ना निश्चल बहुत ज़्यादा खुश रहता है सच्ची में। अरे बना लूंगी मैं रोटी। यार तुम ही तो बोल रहे हो कि रोटी बनानी है तुम्हें, तुमने रोटी बनाना क्या सिखा दिया अब तुम हर रोज बोलते हो लंच में रोटी बनाने के लिए। 10 घंटे में बनाते हो, मैं 2 मिनट में बना दूंगी। 10 घंटे में 6 रोटी तुम कितनी देर में बनाते हो? आधे घंटे में बनेंगी 6 रोटी मेरे से। तो मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। ठीक है तू ही बना ले जाके, गर्मी हो रही है फिर मत बोलियो गर्मी हो रही है ज्यादा, किचन में गर्मी आ रही है ठीक है ना, धूप आ रही है। खिचड़ी बनाओगे? जो पनीर है फ्रिज में वो रात में खाओगे, सुबह की पनीर रात में रखा है। और क्या थोड़ी सी रखी नहीं है तूने, अभी बोल नहीं रही थी कि फ्रिज में पनीर रखा हुआ है? मुझे लगा कि मेरे को अभी जाना पड़ेगा खाना बनाने, मैंने सोचा खिचड़ी बना। इसलिए ना ताकि हमें पनीर ना मिले, हमें खिचड़ी दे दे, खुद पनीर खा ले। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी, और जो इस चैनल पर नए आए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए। ओके थैंक्स दोस्तों।